देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रशासन सो रहा है नींद में, अवैध रूप से बन रहे हैं पटाखे। पटाखों के लिए कुछ पैसे मिलने के लिए जान पर खेलते लोग। पटाखों में आग लगने से बड़ा हादसा। घर के अंदर पटाखा बनाते समय हुआ धमाका, मकान के उड़ गए परखच्चे। दिवाली पर्व पर गोला पटाखा बनाते समय हुई दुर्घटना। दुर्घटना में विस्फोट इतना भीषण कि दीवारें तक गिर गईं। गांव में मच गई अफरा तफरी। दुर्घटना के समय मोहम्मद उमर की पत्नी जफरा बानो अपनी दो बेटियों के साथ घर में ही। पटाखों का अवैध कारोबार गुपचुप तरीके से हो रहा है। प्रशासन के लाख रोक लगाने पर भी लोग मान नहीं रहे हैं। आज सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दिवाली पर्व के लिए गोला पटाखा बनाते समय घर में अत्यंत तेज धमाका हुआ और जिसकी चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई। आपको बता दें कि सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बकुआ बाजार में मोहम्मद उमर पुत्र आबिद के घर पर दीपावली के लिए आज पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी किसी तरह से पटाखों में आग लग गई और तेजी से विस्फोट होने लगे। गांव में तुरंत अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया। वहीं मौके पर पुलिस जाकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। सदरपुर थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। घर में मौजूद 3 लोग झुलस गए, जिसमें एक लड़की की हालत गंभीर है। लड़की को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो विस्फोट इतना भीषण था कि लोग डर गए, घर की दीवारें भी हिल गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। मोहम्मद उमर लखनऊ में रोजी रोटी के लिए निवास करता था, जबकि मोहम्मद उमर की पत्नी जफरा बानो अपनी दो बेटियों के साथ घर में रहती थी और घर में ही अवैध तरीके से पटाखे बना रही थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की माने तो इन पटाखों का कारोबार अवैध रूप से गुपचुप तरीके से किया जा रहा था। ये ग्राम बकौवा थाना सदरपुर की ये घटना है। ये करीब आज सायं 4 बजे 4:30 बजे के आसपास ये अवैध पटाखा बना रहे थे। मोहम्मद उमर का परिवार है, उसमें उनकी जो है 3 लड़कियां इसमें इंजर्ड हुई थी और जिसमें से 1 लड़की के भी अस्पताल से मृत्यु हो गई है। 2 की हालत जो है अभी ठीक है जैसा बताया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है। नहीं, यहाँ पर जो हमने भी बात किया आसपास के, यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बात किया, जो उसके आसपास पड़ोसी भी हैं, वो इस बात को जो है एकदम स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके घर में किसी का आना जाना नहीं था और ये गोपनीय रूप से भी जो है ये निर्माण कर रहे थे। ये सभी लोगों का ये कहना था कि दीपावली के दिन ये परमिशन लेकर के या पटाखा बेचने का काम करते हर साल करते रहे हैं, लेकिन निर्माण की इसको किसी को भी आसपास जानकारी नहीं थी और ये हमारे यहाँ लाइसेंसी भी नहीं है। ये अस्थायी रूप से जब दीपावली का त्यौहार आता है तो SDM साहब से परमिशन लेकर के ये पटाखा बेचने का काम हर साल करते थे, ये बताया गया। लड़का है जो उसी गाँव उसके घर में ही रहता था, उसके बताया गया कि वो अपने 2-3 बच्चों को लेकर के इलाज के लिए गया हुआ था और वो अभी तक मतलब ही उसको उसकी ढूंढा जा रहा। हो सकता है उसके बच्चे आ गए हों, अगर बच्चे गायब होते तो इसकी जानकारी मिल जाती। बहरहाल हम वहाँ पर इसको जो मलबा है उस मलबे को JCP से हटवा करके देख रहे हैं और अपने सूत्रों से भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाए। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।